नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। तो 23 फरवरी यानी कल चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं दोस्तों, और खास बात यह है, ये वो फेज है जहां 59 सीटों में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 51 सीट्स मिली थी। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। और वो कौन से इलाके हैं दोस्तों जहां इस बार वोट डाले जा रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर? लखीमपुर खीरी जो बहुत चर्चा में है, पीलीभीत, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिला, इन तमाम जगहों पर वोट डाले जाने वाले हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में कैसा महसूस कर रही है, उसके लिए मैं आपका ध्यान कुछ तथ्यों की तरफ खींचना चाहूंगा। दोस्तों, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इन तीन मुद्दों पर जनता को फिर से अपने पक्ष में वोट देने के लिए रिझाने का मत बनाया था। मुद्दा नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर। मुद्दा नंबर 2, गरीबों को मुफ्त राशन। और मुद्दा नंबर 3, हिंदू खतरे में है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पहले चरण के मतदान से बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता माहौल को उग्र करने के लिए, सांप्रदायिक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि ये तीन फैक्टर्स थे जिसके आधार पर वोट्स मांगने की कोशिश की जा रही थी, और ये तीनों ही फैक्टर्स धराशायी हो रहे हैं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस बार लखीमपुर खीरी में वोट डाला जाने वाला है। लखीमपुर खीरी वो कौन सी जगह है दोस्तों? यहां तीन चीजें हुई। लखीमपुर खीरी वही जगह थी जहां एक महिला को निर्वस्त्र किया गया था। लखीमपुर खीरी वही जगह थी जहां इस तस्वीर में आप देख सकते हैं 4 किसानों को रौंद दिया गया था और उस घटनाक्रम में 8 लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी वही पृष्ठभूमि है, वही जमीन है जहां किसानों को रौंदने वाले मोनू मिश्रा, जो कि मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, उसे आसानी से जमानत मिल गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले को निहायत ही कमजोर पेश किया। कम से कम किसानों का तो यही मानना है, और यही वजह है कि कल ही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की मदद से किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो बेल मिली है मोनू मिश्रा को, उसे चुनौती देने के लिए। और यहीं पर पूरी तरह से धराशायी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर का प्रोपेगेंडा। दैनिक भास्कर की खबर देख रहे हैं, इस खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चुनाव प्रचार के लिए लखीमपुर खीरी ही नहीं जा पा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि भाई मौतें तो हमारे यहां हुई ना, किसान मारा गया, मगर बेल मोनू मिश्रा को इतनी आसानी से क्यों मिल गई? किसान ही नहीं बल्कि समाज के अंदर कई लोग इस बात की ओर ध्यान खींच रहे हैं कि जितनी आसानी से मोनू मिश्रा को बेल मिली है, क्या किसी और को बेल मिल सकती थी? और यही वजह है कि न्यायिक प्रणाली पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले कुछ सालों में यह हुआ है कि जो लोअर मिडिल क्लास है ना, उसकी हालत बद से बदतर होती गई, और यह आंकड़ों में सामने उभर कर आता गया। आपको याद होगा, इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था और आपको बतलाया था कि पिछले 45 सालों में गरीब अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर सबसे कम खर्च कर रहा है पिछले 45 सालों में। मैंने आपको यह भी बताया था कि पिछले 45 सालों में नौकरी को लेकर भारत में हालात सबसे बदतर हैं। गरीब की निगाह इन तमाम इलाकों में, इन 59 सीटों में इसी मुद्दे पर बनी हुई है। इसलिए मुफ्त राशन पहुंचाया बेशक जा रहा हो, मगर वो गरीब जानता है कि उसके आत्मविश्वास, उसकी अस्मिता पर किस तरह की ठेस पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है।
और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बार बार डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने दम पर वो वोट्स हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो बार बार डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत दूर नहीं ले जाना चाहूंगा, आज ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयानों पर अगर आप गौर करें तो एक तरह से आंधी आ गई है उनके ट्विटर टाइमलाइन पर डबल इंजन की सरकार के शब्द की। पढ़ के दोस्तों मैं आपको सुनवाने चाहता हूं, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जन जन के सशक्तिकरण हेतु संकल्पबद्ध है। डबल इंजन की भाजपा सरकार किसानों व गरीबों के उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है। आगे देखिए साहब, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जन जन को सुदृढ़ और समुचित चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करने हेतु सतत क्रियाशील है। भाजपा की डबल इंजन सरकार यातायात का सुगम बनाने और समाज की प्रगति हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की भाजपा सरकार के नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश को उत्कृष्ट गंतव्य बनकर उभरा है। आप जाइए उनके पूरे ट्विटर टाइमलाइन पर देखिए और आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सिर्फ अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है वोट्स हासिल करने के लिए, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सहारा लेना पड़ रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष उन पर करारा हमला बोल रहा है। आपकी स्क्रीन्स पर जयंत चौधरी का यह बयान कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोबर है। जी हां, गोबर। और गोबर से ही दोस्तों इस बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि यह वो फेज है जहां पर आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहीं पर भी आवारा पशुओं का जिक्र नहीं किया, मगर प्रधानमंत्री बार बार अपनी सभाओं में आवारा पशुओं का जिक्र कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि आवारा पशु कितना गंभीर मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि जब से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार आई है, आवारा पशु जो हैं वो और भी ज्यादा विकराल मुद्दा हो गया है। क्योंकि आज की तारीख में प्रधानमंत्री अब जाकर जो वादा कर रहे हैं वो बहुत ही हास्यास्पद है। ये वादा तो आपको 5 साल पहले करना चाहिए था ना, या कम से कम 2019 में करना चाहिए था। ये समस्या लगातार बढ़ी आ रही है। स्लॉटर हाउसेस पर जो आपने राजनीति की उसके चलते या उसका नुकसान देश का और उत्तर प्रदेश का किसान भुगत रहा है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री अब अपनी हर सभा में जिक्र करते हैं आवारा पशुओं का। सुनिए साहब, हमारा प्रयास है कि दूध न देने वाले जो बेसहारा पशु है उसके गोबर से भी पशुपालक को इनकम हो, अतिरिक्त कमाई हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यूपी में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो, आपका जो संकट है उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। आप जो ये तमाम बातें कर रहे हैं कि भाई गोबर बेचने से अब जनता को फायदा होगा या फिर गौशालाएं स्थापित की जाएंगी, ये काम तो आपको 5 साल पहले करना चाहिए था ना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसने गाय के ऊपर हर बार राजनीति की है, और ना सिर्फ राजनीति की है बल्कि निचले स्तर की राजनीति की है। आप इन बातों से ध्यान जनता का नहीं हटा सकते, और 5 सालों में अगर आप आवारा पशुओं को ही काबू में नहीं कर पाए हैं तो मान्यवर क्या कर पाए हैं आप। हकीकत यह है और उसके अलावा कुछ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह गले का फांस बन चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कौन सा रास्ता है? उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के लिए। और रास्ता क्या है? 2008 के अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और बॉम्ब ब्लास्ट के लिए सिर्फ साइकिल का सहारा नहीं लिया गया था, कार का सहारा लिया था, कैब्स का सहारा लिया था, बसों का सहारा लिया गया था, यानी कि एक
कोशिश की गई थी अलग अलग जरियों के जरिए अहमदाबाद की जनता को टारगेट किया जाए, मगर प्रधानमंत्री क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें से एक साइकिल उठाते हैं और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हैं। कैसे, सुनिए। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे। और प्रधानमंत्री को लगता है कि साइकिल को, जो कि समाजवादी पार्टी की चुनावी सिंबल है, उसे आतंकवाद से जोड़कर वो कहीं ना कहीं चुनावी हवा को भाजपा के पक्ष में कर सकते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लम्हा साबित हो रहा है जो कि पश्चिम बंगाल में साबित हुआ था जब उन्होंने ये हरकत की थी। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी जी, दीदी, ओ दीदी, क्योंकि ममता बनर्जी को टारगेट करने के चक्कर में पश्चिम बंगाल का आम जनमानस देखने लगा कि भाई प्रधानमंत्री एक बुजुर्ग नेता हैं और वो किस अजीबोगरीब हल्के ढंग से ममता बनर्जी पर टारगेट साध रहे हैं। अब उन्होंने साइकिल को आतंकवाद का जरिया बता दिया, जबकि आप सब जानते हैं कि साइकिल गरीब की सवारी होती है। और नतीजा यह हुआ कि चाहे कांग्रेस हो चाहे शिवसेना हो, तमाम नेता इस मुद्दे पर एक हो गए और साइकिल पर प्रधानमंत्री ने जो निशाना साधा उसके खिलाफ उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया। खुद अखिलेश यादव को भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन्स पर, खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल, सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल, महंगाई का उस पर असर नहीं वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल, साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। और इस मुद्दे को लेकर भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि 2008 के अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट को अगर आप समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं तो कृपया बताने का कष्ट करें कि आपने इस मुद्दे को 2019 के चुनावों में क्यों नहीं उठाया। अगर अखिलेश यादव ने बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए थे तो यह मुद्दा 2017 में क्यों नहीं बना। आप पहली बार इसे अब 2022 में देख रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई उस मुद्दे में जान है, उस मुद्दे में कोई दम है, तो 2017 में क्यों नहीं उठाया आपने। क्योंकि 2017 के अंदर तो प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान का राग अलाप रहे थे, गृहमंत्री अमित शाह विपक्ष के नेता को आतंकवादी बता रहे थे, यानी कसाब बता रहे थे। यानी कि आप समझ रहे हैं, हर चुनाव में वही अंदाजे बयां, विपक्ष पर हमला करो और उन्हें आतंकवादी बताओ। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसी तरह से ममता बनर्जी को भी आतंकवाद का समर्थक बताया था। और भाजपा को समझना पड़ेगा कि अब आपकी रणनीति काम नहीं आ रही। आपको इन तथ्यों का जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये मुद्दे 2017 और 2019 में क्यों नहीं उठाए, अब जाकर आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। जनता को ये बातें हजम नहीं हो रही है। जनता की निगाह सिर्फ दो मुद्दों पर है, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी। और इन दोनों ही सवालों का जवाब इस सरकार के पास नहीं है, भाजपा के पास नहीं है। ऊपर से आवारा पशु का मुद्दा, और इसलिए दोस्तों चौथे चरण का मतदान और आने वाले जो चरण हैं वो बहुत दिलचस्प हो गए हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।